नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने कल संडे का स्पेशल जो सेशन था हमारा वो आपने अटेंड किया होगा। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो उसको वॉच जरूर किया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियोस पोस्ट मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं बनाता हूं, आप उस पर थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 7 से 8 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट की वीडियोज़ होती हैं। सोचिए जब आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे, अगर आप 10-12 मिनट की वीडियोस आपका कुछ पैसा बचा सकती हैं तो आपको उसको पूरा स्टडी करना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। अब जो भी स्टडी करते हैं उसके बाद इस स्टडी को मैच करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टडी आपसे मैच कर रही है तो आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा, आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। कल हमने बहुत ही क्लियरली निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स और बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस किए थे जो बैंग ऑन चले हैं, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी उनके निकल के आई है। आज भी उनके टारगेट सभी ऑलमोस्ट हिट हुए, आप उस वीडियोज को जाकर दोबारा देख सकते हैं। आज देखते हैं बाजार को किसने चलाया, किसने गिराया और कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स पर हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल आज लूजर रहा, 0.47% गिरा है, फार्मा गिरा है, आईटी 2% गिरा है क्योंकि निफ्टी 1.5% चली है, उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल, आईटी के स्टॉक्स भागे हैं। और एफएमसीजी फ्लैट रहा, रियलिटी 1.69% गिरी है, इन्फ्रा फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव, और ऑटो सेक्टर में 1% की तेजी देखने को मिली। और बैंकिंग निफ्टी ने सरप्राइज किया जो 2.5% के आसपास चली, दोबारा से 35,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है फ्यूचर बैंक निफ्टी। मैंने आपको कल कहा था, कल के सेशन में बहुत ही क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी दोबारा से 35,000 की तरफ चल रही है, 34,000 का मेजर सपोर्ट था और यहाँ से फिर दोबारा से 1,500 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिलेगी। ये हमारा डिस्कशन था, यही हमारे अनुमान थे, वो होते हुए दिखाई दिए। अब अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी यहाँ पिछले 4 दिन से बिल्कुल 4 दिन से हायर लो के पैटर्न के साथ काम कर रही है, सॉलिड बाइंग दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे से अपने जो रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक करती हुई जा रही है। यहाँ पे 16,700 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको बहुत अच्छे से ब्रेक किया, 16,900 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे 17,000 का लेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ वॉच करना। आज कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया जहाँ हमने डिस्कशन किया कि बैंक निफ्टी क्या 16,700 के लेवल पे जहाँ बहुत देर सस्टेन कर रही थी, क्या वहाँ से गिरेगी या उसको क्रॉस करेगी। हम बहुत क्लियर थे ऑप्शन चेन को, जब हमने देखा तो हम क्लियर थे कि यहाँ 16,700 का लेवल क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हमको दिखाई दे रहा था और लॉन्ग बिल्डअप ने वाकई उसको निफ्टी को 16,900 के आसपास उसको आराम से लेके चली। अब यहाँ पे देखें तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में, एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट दिखाई दिए जो एक अच्छी मूवमेंट कही जाती है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 17,025 का एक लेवल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 17,025 बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी 200-300 पॉइंट और देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 17,025-30 से ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट हमारा आने वाला हुआ 17,161 और 17,295 के आसपास हम देखने की कोशिश करेंगे। 17,290-17,300 के आसपास निफ्टी जा सकती है अगर 17,030 को क्रॉस करती है। अगर 17,030 क्रॉस नहीं करती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, तो यहाँ पे निफ्टी का एक मेजर जो प्राइस आने वाला 16,900, अगर वो उसके ऊपर सस्टेन करती है तो ठीक है, नहीं तो आसानी से 16,770 दोबारा टेस्ट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। इंट्राडे में अगर आपको पोजीशंस लेनी है तो इंट्राडे में 17,000 से ऊपर चले तो ही हम बाय करेंगे, 17,050 के ऊपर इनफेक्ट चलता है तो बाजार में एक अच्छी खासी इंट्राडे की तेजी देखने को मिली, 17,112 तक के लिए बाजार जा सकता है। और 112 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है 17,225 तक निफ्टी निकल सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको लगता है मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके ही वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि आपकी 1 सेकंड की एक लाइक मुझे मोटिवेट कर देगी आपको ऐसा ही पावरफुल कंटेंट देने के लिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। स्टॉक मार्केट में तेजी की एक और वजह रही, अगर देखेंगे तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है कहीं ना कहीं ईज होती दिखाई दे रही है, मीडिएशन चल रही है दोनों को समझाने के लिए। क्रूड ऑयल आज 4% के आसपास गिर चुका है, गोल्ड भी गिरा हुआ 1% के आसपास में, सिल्वर 1.5% के आसपास गिरी है। तो बुलियन सब क्रूड में जब सेल ऑफ आता है तो इक्विटी में कहीं ना कहीं हम बाइंग का मूड देख सकते हैं। फेड के रेट भी बढ़ने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें फेड रेट तो एक्सपेक्टेड था ही कि फेड रेट बढ़ाने वाली है, बट अगर यूक्रेन और रशिया की वार को बाजार डिस्काउंट कर रहा है और क्रूड ऑयल ने गिरना स्टार्ट किया है, गोल्ड ने गिरना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जो बड़े बड़े निवेशक हैं या बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं मार्केट के, वो शायद वो इस रुझान में बैठे हुए हैं कि बाजार में आगे आने वाला जो फोकस है फिर से इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी को अगर देखें 35,312 की क्लोजिंग है और यहाँ पे जो अगला जो पड़ाव रहेगा, जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा, वो 35,340 के ऊपर ही होगा। 35,340 मतलब यहाँ से कुल 30 पॉइंट का एक डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आपने देखा होगा मैं 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस कभी देता हूँ, वो नहीं ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे 35,344 के ऊपर बाजार निकलता है तो बहुत ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और 35,721 35,910 के लिए भी
नजर जा सकता है, और बैंक निफ्टी है कुछ भी सरप्राइज सकती है, और 500-700 पॉइंट की रैली वहां से भी आ सकती है। वॉचफुल रहना होगा 35,156 के लेवल पे। अगर 35,156 का लेवल अगर होल्ड होता है तो बाजार में एक सेल ऑफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल सकती है। गाइस ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी स्टडी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस पर ट्रेड करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज अपनी स्टडी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी उन लोगों के पास जो भी स्टॉक मार्केट में अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं डेली ट्रेडिंग करने के लिए, आपको जरूर मिलता रहेगा। गाइस बहुत ही जल्दी डेली की क्लास अनाउंस होने वाली, तो अगर आप भी मास्टर क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि मार्केट कैसे चलती है, कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट किया जाए, ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी किया जाए, कौन सी ऐसी स्टडी क्लब कर सकते हैं, कौन सी ऐसी हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे एक अच्छा खासा इंट्राडे, अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढे, तो आप हमारी मास्टर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आप हमारे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए अनाउंस करने वाला हूँ दिल्ली और बाकी स्टेट्स का शेड्यूल। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।